बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए मैंने राइस लिए हैं 1 kg, चिकन लिया है 1 kg, 2 टमाटर लिए हैं, इसकी मैंने पेस्ट बना ली है, साथ मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और चिकन पाउडर भी लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने ली है ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और 1 कप दही। इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 टेबल स्पून मैंने लेमन का जूस ले लिया है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट कर रख लिए हैं। मसालों में हमें चाहिए 2 तेज़पात, 1 टीस्पून सौंफ पिसी हुई, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 बड़ी इलायचियाँ और 7-8 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और साथ मैंने काली मिर्चें ली हैं 12 और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज डालकर साथ ही हम तमाम खड़े मसाले डाल देंगे और इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डालकर इसको गोल्डन होने तक अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन हमारा देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट और साथ ही चिली फ्लेक्स भी डालकर इसकी भी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, साथ ही दही भी डाल दें। अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना जाए। अब इसकी दही को अच्छी तरह से आपने भून लेना है, ऑयल बाहर आ जाए तब तक आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। नमक और साथ ही चिकन पाउडर भी डाल दें और टमाटर भी डालकर बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए ऑयल बाहर आ चुका है। अब हमने 1 kg हमारे राइस थे तो हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देना है और हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालकर 10 मिनट के लिए दम देना है और उसकी यखनी अच्छे से तैयार कर लेनी है। 10 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम इसमें राइस डाल देंगे और उसको जब तक हम पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो गया है, अब इसके ऊपर फिर हरा धनिया और थोड़ा सी हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे राइस तैयार हो गए हैं। देखिए कैसे माशाल्लाह खिले खिले जो है चावल हमारे तैयार हुए हैं। अब मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल कितने अच्छे खिले खिले तैयार हुए हैं। डिश हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे और साथ दही के हम इसको सर्व करेंगे। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।